डिफरेंट टाइप्स ऑफ उमारेक्स CO2 एयर गन्स। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एस ऑफ कनेडिया। एस ऑफ कनेडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उमारेक्स के एयर गन्स, जैसे कि पिस्टल है या रिवॉल्वर है, इसमें कौन से किस तरीके की जो एयर पिस्टल्स है आपको देखने के लिए मिलेंगी, या आप ऑर्डर कौन सा ऐसा मॉडल है जो उमारेक्स के ही प्रोडक्ट्स हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हो। और ये सारी की सारी जो है एक्चुअली उमारेक्स जो है वो दो जगह एस्टेब्लिश्ड है, जैसे जर्मनी एंड ताइवान। तो इसमें ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो जर्मन मेड है और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ताइवान मेड है, सो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दिस इज वॉल्थर CP99। ये जो है वॉल्थर का प्रोडक्ट है, इसको उमारेक्स बनाती है, सारे प्रोडक्ट्स को उमारेक्स बनाती है। सो दिस इज वॉल्थर CP99। ये जो है बेसिकली पैलेट गन है। सो इसमें आपको ये 4.5 mm का पैलेट मिल जाता है। ये जो पैलेट्स है ये आपको इंस्टॉल करना होता है। इसमें बेसिकली आपको ये ऐसी राउंड मैगजीन मिलती है, ये मैगजीन के अंदर जो है आपको पैलेट इंस्टॉल करना होता है। सो दिस इज अर CO2 पावर्ड एयर गन। इट मीन्स इसमें जो है 12 ग्राम का CO2 सिलेंडर्स लगेगा, बाकी सारे गन्स में भी ये जो है कॉमन है। सो ये जो है पैलेट गन है, इसको कैसे यूज करना, हमने स्पेसिफिकली सारे गन्स की जो है वीडियो बना रखी है। सो अगर आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में तो वेबसाइट पे जो है विजिट कर सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा, या हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है इसका वीडियो अवेलेबल है, तो वहां से जाकर के अभी आप देख सकते हो। सेकेंड जो हमारे पास है, दिस इज वॉल्थो CP88। ये जो है CP99 थी, दिस इज CP88। दिस इज ऑल्सो अ पैलेट गन। तो इसमें भी जो है आपको ऐसी राउंड मैगजीन मिल जाती है, ये मैगजीन में आपको जो है पैलेट इंस्टॉल करना है। दिस इज ऑल्सो अ पैलेट गन। CO2 जो है इसकी ग्रिप में ही लग जाता है। और ये जो दोनों ही एयर गन्स है, इसमें आपको जो ब्लोबैक का ऑप्शन है नहीं मिलता है। एंड अगर ब्लोबैक की कुछ एयर गन्स आपको चाहिए तो दूसरे मॉडल्स अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। थर्ड मॉडल जो है हमारे पास, दिस इज पित्रो बरेटा। ये जो है बरेटा का प्रोडक्ट है, बट इट इज़ मेड बाय उमारेक्स, उमारेक्स इसको बनाती है। दिस इज़ अ जर्मन मेड प्रोडक्ट। इसमें जो है आपको अगेन इसमें राउंड मैगजीन मिल जाती है और CO2 जो है इसके ग्रिप में ही इंस्टॉल हो जाता है। ये पैलेट गन है, सो कुछ इस तरीके का। दिस इज़ प्रीटी हैवी गन, सो ये आप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड इसकी जो है यहाँ से जो है मैगजीन आपको इंस्टॉल करनी होती है, बहुत ईजी है। सेफ्टी जो है इसमें मिल जाता है, बाकी सारे गन्स में भी जो सेफ्टी है वो अवेलेबल हो जाती है। फोर्थ जो हमारे पास मॉडल, दिस इज लेजेंड्स S25। ये जो मॉडल है, दिस इज अ ताइवान मेड एयर गन। मतलब ये जो है स्पेसिफिकली उमारेक्स की ही प्रोडक्ट है, बट ये जो है ताइवान में मैन्युफैक्चर होती है। ये आप देख सकते हो, इसमें जो है 12 ग्राम का CO2 सिलेंडर, इसकी जो ग्रिप है यहाँ पे जो है ये लग जाता है। इसमें आपको कुछ इस तरीके के शेल्स मिलते हैं जो दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल जैसे होते हैं। आपको जो पैलेट होता है वो यहाँ पे पीछे आप इंस्टॉल कर सकते हो और ये जो है रेडी हो जाता है फायर के लिए। इस पर भी आपको सेफ्टी का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। दिस इज़ अ सिल्वर फिनिश एयर गन, सो ये थोड़ा सा अच्छा है, सो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। फोर्थ, दिस इज स्कूल डिफेंडर। दिस इज ऑल्सो मेड थ्रू उमारेक्स, एंड ये जो है ताइवान में नहीं मैन्युफैक्चर हुआ है, ये है जर्मन मेड एयर गन। ये जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको मैगजीन जैसा कुछ नहीं चाहिए। सो दिस इज़ अ नाइस प्रिटी ऑप्शन। यहाँ पे जो है इसकी ग्रिप में जो CO2 है वो लग जाता है, यहाँ से जो है आप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल जो है कर सकते हो। पीछे यहाँ पे देख सकते हो, ये स्प्रिंग मैकेनिज्म है, यहाँ पे जो है आप BBs इंस्टॉल कर सकते हो एंड ये ऐसे लॉक हो जाता है। सेफ्टी जो है आपको इस पर मिल जाता है, दिस इज़ अ सेफ्टी ऑप्शन, बट दिस इज़ अ BB गन। इट मीन्स इसमें जो है 4.5 mm का BB लगेगा, एंड CO2 जो है सारे गन्स में कॉमन है, तो दिस इज़ ऑल्सो 12 पावर्ड CO2 एयर गन। तो इसमें 12 ग्राम का CO2 सिलेंडर जो है वो लगता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, दिस इज कोल्ड पाइथन 357। ये जो है उमारेक्स का प्रोडक्ट है, दिस इज़ अ जर्मन मेड प्रोडक्ट। ये जो है जर्मनी में मैन्युफैक्चर होती है। दिस इज़ अ डुअल एमओ ऑप्शन, इट मीन्स कि इसमें जो है ये BB लग जाएगा एंड ये जो पैलेट है ये भी लग जाएगा। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें जो है आपको एक जो मैगजीन है, इसमें जो है राउंड मैगजीन आती है, कुछ इस तरीके की जो है मैगजीन है। ये जो है ऑप्शन BBs के लिए होता है। अगर आपको कुछ पैलेट वाला ऑप्शन चाहिए तो इसमें ऐसी आपको दो राउंड मैगजीन मिल जाती है। एक की जो है 10 राउंड की कैपेसिटी है, सो 30 शॉट्स आप जो है एक साथ लोड कर लीजिए और अल्टरनेट आप फायर कर सकते हो। CO2 का जो ऑप्शन है वो इसके ग्रिप में ही डल जाता है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे जो है CO2 आप लगा सकते हो। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है, दिस इज़ ग्लॉक 17 जनरेशन 3। दिस इज़ माई फेवरेट, माई पर्सनल, लाइक
ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसमें जो है आपको इस तरीके की जो है स्टिक ड्रॉप मैगजीन मिलती है, इसमें ऐसी चार राउंड मैगजीन्स मिल जाती है, जिसमें ये एक्चुअली डुअल एमओ ऑप्शन है, तो इसमें भी जो है बीबी और पैलेट लग जाता है। चारों आप बीबीस लगा सकते हो, चारों आप पैलेट्स लगा सकते हो, या फिर दो बीबी दो पैलेट, या डिपेंड्स ऑन यू आप जैसे इसको यूज़ करना चाहते हो। इसकी जो मैगजीन है इसमें ही जो है जो CO2 है वो इंस्टॉल हो जाता है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑल्सो ये जो एयरगन है दिस इज अ ब्लोबैक गन, तो इसमें जो है ब्लोबैक आपको मिल जाता है। सेफ्टी जो है आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, ये जो है सेफ्टी पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। दिस इज अ जर्मन मेड प्रोडक्ट, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लॉक बट इट इज मेड बाय उमारिक्स। नेक्स्ट आप देख सकते हो दिस इज 1911 स्पेशल कॉम्बैट, ये जो है कोल्ड का प्रोडक्ट है बट इट इज मेड बाय उमारिक्स। इसमें जो है इसमें इस तरीके की आपकी जो है मैगजीन निकल जाती है, यहाँ पे आप 12 ग्राम का CO2 इंस्टॉल कर सकते हो। दिस इज अ बीबी गन, तो इसमें जो है 4.5 mm का बीबीस लगेगा, यहाँ से आप जो है बीबीस को इंस्टॉल कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बोल लीजिए, मतलब मुझे तो पर्सनली ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, बिकॉज ये जो है आप अगर खुद से करते हो तो ये जो है ब्लोबैक हो जाता है, बट दिस इज अ नॉन ब्लोबैक गन। जब आप सिर्फ ट्रिगर करते हो तो ये खुद से जो है ब्लोबैक नहीं होता है, सो CO2 का वेस्टेज भी नहीं होगा, प्लस आपको रियल का फील भी मिल जाएगा। सो ये एक अच्छा ऑप्शन, दिस इज लुक में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हो ये वुडन टेक्सचर में इसका जो ग्रिप है वो आ जाता है, सिल्वर फिनिश में इसका जो है बैरल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस है लाइक बाकी का जो पार्ट है वो पूरा ब्लैक में आता है, सो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है। नेक्स्ट हमारे पास दिस इज 1911 कोल्ट, ये जो है CQBP पिस्टल है, सो ये जो है एग्जैक्टली जर्मन मेड प्रोडक्ट है, इसको भी उमारिक्स ही बनाती है। इसमें जो है 4.5 mm का बीबीस लग जाता है, यहाँ पे आप CO2 का सिलेंडर आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये एक नाइस ऑप्शन है, इसमें जो है आपको ब्लोबैक मिल जाता है, दिस इज ब्लोबैक फंक्शन एंड सेफ्टी आपको जो है इस पर मिल जाती है, सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट दिस इज ग्लॉक 17 Gen 4, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें जो है ऐसी फुली कवर्ड मैगजीन आती है, यहाँ पे आप बीबीस इंस्टॉल कर सकते हो, CO2 जो है अंदर लग जाती है, सेफ्टी आपको जो है मैनुअल है यहाँ पे मिल जाती है, ब्लोबैक ऑप्शन है इसमें, आप ऐसे रिलीज कर सकते हो, सो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है अभी तक के लिए। नेक्स्ट दिस इज C96 पिस्टल, ये कुछ इस तरीके की जो आपको पिस्टल देखने के लिए मिल जाएगी। सो ये जो है आप जैसे ये बटन प्रेस करते हो तो इसमें कुछ इस तरीके की आपको जो है मैगजीन देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ से आप जो है बीबीस इंस्टॉल कर सकते हो, CO2 यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। सेफ्टी जो है इसमें मैनुअल है, आप जो है ये जो है इसका सेफ्टी है, तो ये जो है फायर नहीं होता है, जैसे ही आप इसको पीछे करते हो तो ये जो है फायरिंग पे आ जाता है, एंड ये जो है सिंगल एक्शन में ये वर्क करता है, सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। दिस इज ऑल्सो अ जर्मन मेड प्रोडक्ट मेड बाय उमारिक्स, एंड दिस इज अ ऑप्शन बहुत लिमिटेड स्टॉक में आता है, ये दिस इज उमारिक्स थ्रू मेड। सो ये जो है ताइवान मेड एयरगन है, तो ये ताइवान में मैन्युफैक्चर होती है, उमारिक्स का ही प्रोडक्ट है। दिस इज़ UX357 गन, तो इसमें जो है आपको जैसे मैंने बताया था इसमें जो है शेल्स लग जाते हैं, तो इसमें आगे से आपको जो बीबीस है वो इंस्टॉल करना है, एंड इसकी ग्रिप में जो है वो CO2 इंस्टॉल हो जाता है। सो ये जो ऑप्शन है आप देख सकते हो, इसमें मैंने आपको बता दिया कौन सा ताइवान है या कौन सा जर्मन मेड प्रोडक्ट है। इन गन्स को ऑर्डर करने के लिए आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके वेबसाइट से जाकर के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एंड पेलगन ऑयल कैसे यूज करना है वो हमने ऑलरेडी आपको हर वीडियो में बताते हैं। सो ये जो है CO2 के ऊपर एक ड्रॉप डाल के आपको इंस्टॉल करना होता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये जो है 4.5 mm का बीबी और पैलेट इन सारे गन्स में लगता है, इट मीन्स कि इसके लिए जो है लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिर्फ आपका एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, अगर आपके पास आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस है तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है आप शेयर कर सकते हो। फिर वेबसाइट पे जो है कॉल बैक रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप जो है कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। हमारा आपका जो है नाम और कॉन्टैक्ट नंबर सबमिट करना होगा, हमारी तरफ से जो कॉल होगी वो आ जाती है। मेल कर सकते हो आप हमें info@asofgunindia.com या asofgunindia@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आप इसको EMI पे खरीदना चाहते हो तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होता है सो इन गन्स को आप जो है EMI पे